सो व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज शिवांग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट आई मेक अ वाटरफॉल इन अ बोल। सो गाइस, आज मैं एक वाटरफॉल बनाने वाला हूँ बोल के अंदर। दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय सर्पा डिज़ाइन। सर्पा डिज़ाइन इज़ अ वेरी गुड यूट्यूब चैनल, यू शुड चेक इट आउट। ऑलराइट, सो आई हैव यूज्ड लेका and some rocks, holy rock for our main structure, and then I've added some details. मैंने इसमें थोड़ी details लगाए हैं wood से। आपको light थोड़ी flicker करती हुई दिखी रही होगी, so sorry for the inconvenience, but यहाँ मेरे पास अच्छा camera नहीं है तो ये थोड़ा आप सह लेंगे, right? And then जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने प्लांट्स भी लगाया हूँ। प्लांट्स काफ़ी सुंदर हैं और इसका जो वाटरफॉल है वो जो बहता है ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, आँखों को सुकून देता है। एंड गाइस, मैंने यहाँ पे एक 9 वॉट्स की एलईडी लाइट यूज़ करी है प्लांट ग्रोथ के लिए, जो कि आई एम श्योर मोर देन इनफ होगी इन प्लांट्स के लिए, बिकॉज इन प्लांट्स को ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई लाइटिंग या डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है, और एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मैंने यहाँ राइपेरियन प्लांट्स यूज़ किए हैं, तो राइपेरियन प्लांट्स का मतलब ही होता है कि इनके जो रूट्स रहेंगी वो पानी के अंदर रहेंगे, शूट एंड लीव्स बाहर रहेंगे। सो ये इसी कंडीशन में सबसे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने इसको फर्स्ट बनाना शुरू किया था इसके हार्डस्केप से, तो अब हम इसका हार्डस्केप पे चलते हैं कि मैंने इसके हार्डस्केप को कैसे बनाया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल हार्डस्केप। सो गाइस, सबसे पहले मैंने एक ठो ड्रिफ्टवुड का पीस ले लिया था और इसे रॉक के पीछे सेट कर रहा था इस तरीके से, ताकि इस रॉक को ये ड्रिफ्टवुड का पीस अच्छी तरीके से होल्ड करके रखे। लेकिन फिर मैंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया एंड देन आई स्टार्टेड अटैचिंग ट्विग्स एंड ड्रिफ्टवुड टू आर मेन रॉक। ये एक होली रॉक का लंबा सा पीस है जिसका विथ बहुत कम है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाइट बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, मैंने इसके ऊपर डिटेलिंग के लिए काफ़ी सारे ड्रिफ्टवुड के पीसेस, ट्विग्स लगाए, ताकि एक अच्छा डायमेंशन आ सके, अच्छा लुक आ सके हमारे हार्डस्केप में। बिकॉज प्लांटेशन तो इम्पॉर्टेंट होती ही है, लेकिन एक स्केलेटन होता है हमारे स्केप का, हार्डस्केप, उस स्केलेटन को अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, तभी आपका जो हार्डस्केप है, मतलब एक्वास्केप है या टेरास्केप है, वो बहुत ज़्यादा डेंस दिखेगा एंड बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखेगा। सो गाइस, इसी तरीके से मैं बना रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। आप इसमें सेवरू रॉक, ड्रैगन स्टोन्स, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ यू लाइक, एज़ यू विश। लावा रॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ के रॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, टाइप के रॉक्स यूज़ कर सकते हैं, नॉट स्पीसीज़ गाइस, सॉरी, दैट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत पुराना एक चट्टान है, जिस चट्टान में से रूट्स निकल रहे हैं एंड वो रूट्स पानी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये कुछ ऐसा थीम है जो मैंने बनाने की सोचा था और मैं बनाने की ट्राई भी कर रहा था। सो गाइस, द मेन थिंग इज़ हियर कि मेरे को एक ऐसा डेंस स्केप बनाना था। उसके बाद मैंने एक बोल ले लिया 1 फीट का, उसके बाद ये सोबो का पंप ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने इसको फिक्स करना शुरू कर दिया। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सोबो के पंप को इस प्रकार से फिक्स किया था कि ये अच्छी तरीके से जाए। उसके बाद मैंने लीका डाला इसके अंदर। मेरा इसके अंदर लीका डालने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, कि मैं इसके अंदर राइपेरियन प्लांट्स यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं इसके अंदर सॉइल डालता तो सॉइल इवेंचुअली सॉगी हो जाता ज़्यादा पानी के कारण, एंड जो हमारे राइपेरियन प्लांट्स हैं उनका भी क्या हाल होता आपको समझ ही आ रहा होगा, क्योंकि रूट्स जो हैं वो सड़ जाती हैं, रूट रॉट हो जाता है उन्हें, और वो सारे प्लांट्स मर जाते हैं। और एक और रीज़न है कि मैंने इसके अंदर लीका का यूज़ किया है, बिकॉज मैंने इसके अंदर जो पंप डाला है ना, उसको विदाउट एनी कवरिंग मैंने डाला है। सो इफ़ आई वुड हैव यूज्ड सॉइल, सो वो सॉइल भी इसके अंदर फंस सकती थी एंड हमारे पंप को भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती थी, इसलिए मैंने इसके अंदर लीका डाला। एंड लीका इज़ अ ग्रेट मीडियम फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में लीका ही यूज़ होता है, और लीका नियरली कोई भी प्लांट्स को यूज़ करा जा सकता है। ठीक है गाइस, तो मैंने इसके अंदर मेन हार्डस्केप जो है हमारा डाला। मेन हार्डस्केप डालने के बाद ये बोल बहुत ज़्यादा भरा लग रहा था एंड इट वॉज़ लुकिंग ग्रेट, और आसपास जो उसकी जगह थी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। एंड एज़ द हार्डस्केप वॉज डन, मैं यहाँ पे एक वाटर टेस्ट कर लिया ताकि मुझे अच्छे से तरीके से पता चल जाए कि इसका फ्लो कैसा है और ये दिख कैसा रहा है। एंड आफ्टर दैट आई प्लांटेड द टैंक विद सिंगोनियम एंड हाइड्रोकोटाइल वर्टिकिलाटा, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा मॉस भी स्प्रिंकल किया है लास्ट में, पिकॉक मॉस, जो कि इमर्स कंडीशन में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होता है। एंड गाइज,
जैसा कि मैं देख सकते हैं आप भी ऐसा कुछ अपने घर में बना सकते हैं। इट विल अपलिफ्ट योर लुक ऑफ द हाउस ऑफ योर रूम ऑफ योर लिविंग स्पेस। सो एज यू कैन मेक इट एज वेल एज आई डिड। आप इससे इंस्पायर होकर अगर कुछ बनाते हैं तो मुझे टैग करना ना भूलिएगा। आई विल श्योरली कमेंट और रिप्लाई ऑन दैट। और आपके इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस हैं सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।